ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली की अगुवाई में T20, वनडे और टेस्ट तीनों सीरीज के खिलाड़ियों को चुना गया है। रोहित शर्मा तीनों टीमों में शामिल नहीं है। BCCI का कहना है कि रोहित चोटिल हैं, वहीं ईशांत शर्मा भी चोट के चलते टेस्ट टीम से बाहर हो गए हैं। टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद सिराज को चुन लिया गया है। चक्रवर्ती को T20 सीरीज के लिए चुना गया है, वहीं सिराज को टेस्ट टीम में जगह मिली है। रोहित के न होने से मयंक अग्रवाल को वनडे और T20 टीम में चुना गया है। नवदीप सैनी अब तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा है। T20 में ये खिलाड़ी विराट कोहली यानी कि कप्तान, शिखर धवन, KL राहुल, शेष अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन विकेटकीपर, रविन जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, दीपक चाहर पहले से थे और वरुण चक्रवर्ती, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी ये नए चेहरे टीम का हिस्सा होंगे। वहीं वनडे में ये खिलाड़ी विराट कोहली, शिखर धवन, KL राहुल, शेष अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पंड्या, मयंक अग्रवाल, रविन जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल को टीम में जगह मिली है। वहीं टेस्ट सीरीज में विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, वृद्धिमान साहा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रविन जडेजा, आर अश्विन और मोहम्मद सिराज ये खिलाड़ी शामिल हैं। IPL 2020 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatvarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।